ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। पिया का घर जो मूवी है ना, उसका जो किशोर दा ने गाया हुआ गाना है, उसका इंट्रो है। आसान सा इंट्रो है, 8 कॉर्ड्स यूज किए गए हुए। मैं आपको कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। इसमें हम लोग इंट्रो करते हैं इस टाइम। मैं तुषार गिटार गाड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर एक नए लेसन के साथ में। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में, ताकि मैं कोई लेसन या इंफॉर्मेटिव चीज़ें अपलोड करूँ तो उसका इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ओके, वो सिलेक्ट ऑल की वजह से। तो चलो शुरू करते। 8 कॉर्ड्स मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ, आप लिख लेना, मैं भी यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। आपको गूगल पे सर्च भी करना है कोई कोई, क्योंकि शायद यहाँ पे दिखाई दे, मैं कुछ डायग्राम दूंगा तो भी आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए, लेकिन गूगल पे सर्च करना है। पहली जो कॉर्ड लगने वाली है वो है डी माइनर ओवर एफ। डी माइनर ओवर एफ कॉर्ड आपको ऐसे ही सर्च करना है, मैं आपको कोशिश करता हूँ देने के, लेकिन डी माइनर ओवर एफ आप हाथ से एक बार लिखेंगे और या तो सर्च करेंगे तो आपको ब्रेन मेमोरी में और मसल मेमोरी में दोनों में भी ये याद रह जाएगा। और इंटरेस्टिंग स्ट्रमिंग पैटर्न है, मैं आपको पहले उसका बेसिक बताऊंगा और बाद में उसको कन्वर्ट करते स्ट्रमिंग पैटर्न में हम लोग। ओके, तो पहली कॉर्ड जैसा मैंने आपको बताया डी माइनर ओवर एफ, उसके बाद लगती है एफ मेजर सेवंथ कॉर्ड। डायग्राम देख लेना आप जरूर, आपको तो पता है सी मेजर शेप में एफ मेजर पकड़ना है तो एफ मेजर सेवंथ हो जाती है। उसके बाद तीसरी कॉर्ड आती है एफ सिक्स। मैं समझता हूँ आप देख सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम भी आप देख लेना, मैं आपको नाम यहाँ पे देता हूँ एफ सिक्स। एफ सिक्स के बाद में हमें लगती है सी मेजर ओपन कॉर्ड। सी मेजर के बाद में लगती है हमें सी नाइन, ऐसी आती सी नाइन कॉर्ड। ये भी आप देख लेना डायग्राम, मैं देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में आती है सी सेवंथ, सातवीं का कॉर्ड आती है एफ मेजर, और आठवीं कॉर्ड आती है बी फ्लैट या ए शार्प मेजर। तो एफ के स्टोरी में शुरू है तो ये बी फ्लैट आ जाती है। ओके, तो ये 8 कॉर्ड्स है। अब दोस्तों स्ट्रमिंग पैटर्न देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। स्ट्रमिंग पैटर्न का बेसिक पहले समझ लो, 8 डाउन स्ट्रोक है ना प्रॉपर फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डाउन स्ट्रोक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कॉर्ड्स जो मैंने आपको बताया, तो पहले कॉर्ड पे 3 डाउन स्ट्रोक, दूसरे कॉर्ड पे 5 डाउन स्ट्रोक, तीसरे कॉर्ड पे 3 डाउन स्ट्रोक, चौथे कॉर्ड पे 5 डाउन स्ट्रोक, ऐसे अल्टरनेटली 3 और 5 3 और 5 सीक्वेंस में हम लोगों को स्ट्रमिंग करते जाना है। जैसे कि मैंने पहले सीक्वेंस में जब मैंने बताया कि डी माइनर ओवर एफ कॉर्ड है, उसके बाद में एफ मेजर सेवन आती है। ओके, तो 4 कॉर्ड बोलता हूँ पहले मैं आपको, डी माइनर ओवर एफ पहली कॉर्ड, इस पे 3 डाउन स्ट्रोक आएंगे। एफ मेजर सेवन पे 5 डाउन स्ट्रोक आएंगे, तीसरी कॉर्ड एफ सिक्स पे 3 डाउन स्ट्रोक आएंगे, और एफ मेजर पे जो है वो 7 5 काउंट आएंगे, 5 डाउन स्ट्रोक आएंगे। जैसे कि मैंने अभी पकड़ा है डी माइनर ओवर एफ, क्या किया मैंने पहले और दूसरे में 3 और 5 डिवाइड किए, और एफ मेजर सेवन पे गया ना मैं चौथे डाउन स्ट्रोक को, डाउन 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 3 डाउन स्ट्रोक एफ मेजर पे, डाउन 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 डाउन। अब मुझे एफ सिक्स है ना, डाउन डाउन डाउन, फिर एफ मेजर पे, डाउन 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 डाउन। काउंट्स दिखाऊं आपको मैं, जैसे मैंने पहली पकड़ी डी माइनर ओवर एफ कॉर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 डाउन स्ट्रोक जो है वो पहले कॉर्ड पे, दूसरे कॉर्ड पे 5, तीसरे 3 चौथे 5, मतलब जो विषम डाउन स्ट्रोक है ऑड है 1 3, उसमें 3 ही डाउन स्ट्रोक है, और जो इवन है 2 4 जो कॉर्ड से सीक्वेंस में, उसके लिए 5 डाउन स्ट्रोक है। समझ गए दोस्तों। अब स्ट्रमिंग पैटर्न जो डाउन स्ट्रोक मैंने आपको बताया, डाउन स्ट्रोक
तो ये जो 8 डाउन स्ट्रोक है इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 2 स्ट्रोक है ना सेकंड, वो सेकंड स्ट्रोक पूरा डाउन अप ऐसा बजाना है, वो सिर्फ डाउन ये डाउन अप इतना ही करना है, मतलब सिर्फ डाउन नहीं, वो डाउन के अमाउंट में ही और डाउन के जो जितना टाइम लगता है वो टाइम में ही डाउन अप। तो कैसा होता है देखो, ये मैंने डी माइनर ओवर पकड़ा, आसान सा लेसन है, कॉर्ड समझ गए। ये मैंने लेसन इसके लिए किया क्योंकि कॉर्ड्स क्या है, नॉर्मली 99% यूट्यूब पे मिल ही नहीं रहे, और ये इंट्रो इतना प्यारा है, तो एक बार आप सुन लो, देख लो मैं क्या करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लेसन समझ में आ गया। दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, अच्छा लगा तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं ऐसे ही नए लेसन के साथ अगली दफा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।